को जैसे यह नारा आप सभी मेरे साथ लगा रहे हैं और आज का दिन ही है भारत माँ की जय बोलने का, तारापुर के शहीदों को नमन करने का। ऐसे वीर बलिदानी सपूतों को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे एक छोटे से आग्रह पर हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुए हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे जिलाधिकारी महोदय श्रीमान उदय कुमार सिंह जी और हमारे अभिभावक के रूप में सदैव अपना स्नेह और आशीष देने वाले सुबोध गुप्ता जी, विष्णु जी और मेरे मित्र मुंगेर और बिहार की धरती के लाल हमेशा कदम से कदम मिलाकर के साथ देने वाले सौरभ जी, शहीदों के परिवार से जीवन सिंह जी और शिव कुमार जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों, हम लोग काफी विलंब से पहुंचे हैं, यहाँ की व्यवस्था में लगे राहुल जी और उनकी टीम कर्णवीर जी, ठाकुर फणीश्वर जी और तमाम मेरे साथी, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और अब सीधे विषय पर आता हूं, 5 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा। भाइयों, आज हम सब 86वें वर्ष में इकट्ठे हुए हैं, जब 15 फरवरी 1932 का यह 86वां साल है। 15 फरवरी 1932 क्या है, लोग 15 अगस्त 26 जनवरी तो जानते हैं लेकिन 15 फरवरी नहीं जानते। उन्हें जानना चाहिए क्योंकि 15 फरवरी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बलिदान और भावना और साहस की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा बलिदान हुआ था। 15 फरवरी की दोपहर को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत 15 से लेकर के 17, 18 और 22 वर्ष के युवा साथी तारापुर के थाना भवन पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक प्रण लिया था, एक सपना देखा था अंग्रेज मुक्त भारत का और अंग्रेजी शासन के गुलामी का प्रतीक यूनियन जैक को उतार फेंकने का। उन्होंने तारापुर जैसे एक छोटे से कस्बे में बैठ करके, सुपौल जमुआ संग्रामपुर में गांव है, वहां के एक श्री भवन में गुप्त बैठक में तारापुर के नौजवान भाइयों ने सपना देखा था कि ब्रिटिश हुकूमत को नींव हिला देनी है। और भाइयों, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं जहां पर तारापुर में थाना भवन पर तिरंगा लहराया और 34 वीरों ने अपनी शहादत दी और उस शहादत की गूंज तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंची थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, वेयर इज तारापुर, तारापुर कहां है, इसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। इस प्रकार की भावना। लेकिन शहीदों का वह बलिदान भूमि, वह बलिदानी धरती आज भी अपनी जगह कायम है और उस शहादत का साक्ष्य, उसका साक्षी, वह ऐतिहासिक गवाह आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, थाना भवन के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। पूरा इतिहास, पूरा विवरण आपको पत्रक के माध्यम से मिल जाएगा और एक पुस्तक की प्रति अगर आ गई हो तो मैं चाहूंगा कि अपने भाषण के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय मेरी आने वाली एक पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है उसका भी विमोचन करेंगे। सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी मांग रखी है, लेकिन भाइयों, मैं आज पूर्व में भी सर को कहा हूं, एक पत्र भेजा था और कई मंत्रालयों को भी पत्र लिखा हूं, दर्जनों सांसदों ने हमारी मांग के समर्थन में पत्र लिखा है कि यह जो ऐतिहासिक थाना भवन है इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर
जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाइए कि हमारी ये आवाज, हमारी ये मांग केंद्र सरकार तक पहुंचे। तारापुर थाना को, तारापुर थाना को शहीदों के सम्मान और हक की लड़ाई तारापुर से निकल करके मुंगेर तक पहुंची है और मैं आप सबके साथ और आप सबसे मिले हुए मनोबल और साहस के बदौलत ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी और ये लड़ाई पटना से होते हुए दिल्ली तक भी जरूर पहुंचेगी। विशेष नहीं कुछ कहना चाहता, समय की कमी है। एक और मांग सर के माध्यम से है कि तत्काल कम से कम उस थाना भवन, चूंकि अब उसमें पुलिस काम नहीं करती, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए कुछ न कुछ या तो सरकारी राशि की व्यवस्था उसको संरक्षित करने की, या फिर सर एक अनुमति पत्र हम लोगों को दें तो हम लोग समाज के माध्यम से उस काम को करेंगे। इस मांग के साथ तारापुर के शहीदों को नमन करते हुए और आप सभी साथी जिनका भी नाम लेना मैं छूट गया मुझसे, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने सहयोग दिया इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि इस देश में शहीदों को याद करने के लिए और सच्चे काम को करने के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो जज्बे से बाहर निकलते हैं। आप सभी सुबह से, हम लोग काफी लेट पहुंचे, लेकिन मेरे मीडिया के भाइयों, आप सभी लोग एक आवाज पर यहाँ पर उपस्थित हैं। शहीदों की गूंज पूरे देश में आपके माध्यम से जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। एक साथ एक बार मेरे पीछे नारा लगाएंगे, तारापुर के अमर शहीद, तारापुर के अमर शहीद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।